हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास दो 24 इंच का टीवी आया हुआ है, जो कि एक ही टेक्नीशियन लेकर आया है। और इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो अभी पैक है इसको हम साइड में रख लेते हैं और जो खुला हुआ है उसको पहले देखते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ टेक्नीशियन लोग ही ज़्यादा टीवी सेट लेकर आते हैं और एक में तीन तीन चार चार सेट लेकर आते हैं। आज ये दो सेट लेकर आए हैं, चलो इनका देख लेते हैं कंडीशन। इसमें आप देख सकते हैं ये सेट डेट है, इसमें कोई लाइट नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। और चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। दोस्तों, इस सेट को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है, और इसको बाहर देखेंगे, उसके बाद इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, कहाँ क्या केस है, पावर सप्लाई ख़राब है या फिर दूसरा कुछ मामला है इसमें। चलिए फटाफट ओपन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने सेट को ओपन कर लिया है। इसमें जो केबल लगा हुआ है, ये की स्विच वगैरह, इसको हम नहीं खोलेंगे, साइड में रख लेंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा की स्विच और जो सेंसर सॉकेट है, हम उसी से चेक करते हैं। हम एक सेट रख लिए हैं अलग से, ताकि इस तरह के काम करने में हमें आसानी होता है और साइट की खोल के फिर लगाने में टाइम समय भी बहुत वेस्ट होता है। चलिए अब हम इसकी कुछ सप्लाई, जो इसका बेसिक मेन सप्लाई है, उसको हम पहले चेक करेंगे। इसकी जो फर्स्ट 12 वोल्ट है, जो कि हमें अपग्रेड पिन पर मिल जाएगा, हम पहले सर्किट को ओपन नहीं करेंगे, हम पहले वहीं पर चेक करेंगे जो उसका सॉकेट। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो अपग्रेड पिन है, यहाँ 12 वोल्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप, 12 वोल्ट इसमें ओके है, इसका मतलब इसका पावर सप्लाई कम्प्लीट है, पावर सप्लाई में कोई शिकायत नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी ये सेट डेट है और इसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं है। चलिए इसमें बाकी के सप्लाई चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट के बाद दोस्तों इसमें फर्स्ट 5 वोल्ट बनेगा, जो कि इस बक कॉइल पर बनेगा, और देख सकते हैं यहाँ 5 वोल्ट नहीं है। और इसी 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट बनेंगे। यहाँ 1.2 वोल्ट देख सकते हैं, यहाँ भी नहीं है, जबकि ये 12 वोल्ट से बनता है कभी कभी। यहाँ देख सकते हैं जो कॉम्बो रेगुलेटर है, इसकी जो इनपुट दो लेग है, उसमें किसी भी पॉइंट पर 5 वोल्ट इनपुट नहीं है, और जाहिर है इसमें आउटपुट भी नहीं होगी, तो हम आउटपुट चेक नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा हम बारीकी से देखेंगे कि कहीं बर्न तो नहीं है या फिर कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ दोस्तों हमें एक चीज़ नज़र आया है, आपको हम दिखाते हैं। इसकी जो फर्स्ट 5 वोल्ट बनाने वाली जो रेगुलेटर है, जो कि 12 वोल्ट इनपुट है और इसमें 5 वोल्ट आउटपुट होगी, जो 5 लेग की है, आप देख सकते हैं ये बर्न हो चुका है। सॉरी दोस्तों, ये 6 लेग की है, इसकी जो बीच की इनपुट लेग है वो टोटली बर्न हो चुका है, ट्रैक भी बर्न हो चुका है। इसमें हम चाहे भी तो दूसरा रेगुलेटर नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसमें इसको फिर भी कोशिश करेंगे दूसरा कुछ प्रोसेस करके। इसकी पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, और हो सकता है रेगुलेटर ख़राब होने की वजह से इसका मेन आईसी, जो लॉजिक प्रोसेसर है मदरबोर्ड की, मेन प्रोसेसर कभी कभी शॉर्ट हो जाने की वजह से भी आईसी बर्न हो जाती है। तो हम पहले आईसी को रिमूव करेंगे और फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या नहीं। यहाँ जो रेगुलेटर लगी है आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से इसकी जो इनपुट लेग है वो बर्न हो चुका है। हम इसमें P
पीछे की तरफ अगर देखेंगे कैसे पता करें कि ये 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट या फिर क्या वोल्ट की है। यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट मिला है हमें जो पैनल सप्लाई है, क्योंकि 5 वोल्ट इसमें एक ही जगह बना है जो हमें कहीं ना कहीं 5 वोल्ट हमें पता होगा कि 5 वोल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा। उस ट्रैक को पकड़ लेंगे तो हमें 5 वोल्ट या कितने वोल्ट का रेगुलेटर है वो मालूम चल जाएगा। हमें मालूम है यहाँ पर 5 वोल्ट जो कि पैनल सप्लाई है, तो इससे हम कंटिन्यूटी लेंगे इसी बक कॉइल से। यहाँ 5 वोल्ट है आप देख सकते हैं जो पैनल सप्लाई जो जैक है, और यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यूटी है, इसका मतलब ये रेगुलेटर 5 वोल्ट की है। दोस्तों ये कॉमन ट्रिक है, कुछ लोगों को देखा हूँ कि वो कुछ पार्ट्स अगर बर्न निकले मदरबोर्ड में तो वो बोर्ड की डेटा शीट ढूंढने लग जाते हैं, उसमें काफ़ी वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरा कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की डेटा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले आईसी को रिमूव करते हैं और आगे क्या किया जाए वो आप देखिए। दोस्तों मेरा वीडियो नए लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलरली मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है मेरे वीडियो से। और इसमें आप देख सकते हैं हम जो इसकी आईसी रिमूव करेंगे, रिमूव करने की प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, जो अपना हॉट गन है जो रिबोक स्टेशन है, इसको आप पहले ही ऑन कर दे एक या दो मिनट पहले, ताकि वो पूरी तरह से हिट हो जाए और कम वक्त में आपका पीसीबी से जो भी कंपोनेंट है वो बाहर आ जाए। इससे क्या होता है, आपका पीसीबी भी ख़राब नहीं होगी, और अगर आप कहीं से अच्छी आईसी भी निकालना चाहे, कभी कभी हम स्क्रैप में से कोई आईसी निकाल कर किसी दूसरे बोर्ड में लगाते हैं, उस वक्त भी ये काफ़ी मददगार साबित होती है, ताकि आपका आईसी ख़राब होने का डर कम रहता है और पीसीबी जलने का डर भी बहुत कम रहता है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरी तरह से हो चुकी है, यहाँ हम चाहे तो दूसरा आईसी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें रिक्स हो जाएगी, हमें जंपर करके भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम जो डिफ़ॉल्ट 1.2 से लेकर 5 वोल्ट आउटपुट तक की जो कन्वर्टर है, जो बक कन्वर्टर स्टेप डाउन कन्वर्टर, हम उसको यूज़ करेंगे। चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। दोस्तों ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको एलईडी टीवी रिपेयर अगर करना है तो आपको कुछ पार्ट्स जो है हमेशा अपने पास अवेलेबल रखना है, आपको भागा दौड़ी नहीं करना है, ज़रा ज़रा चीज़ के लिए आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। देख सकते हैं हमारे पास साउंड मॉड्यूल जो कि 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की है, और ये जो है बक कन्वर्टर है जो स्टेप डाउन कन्वर्टर जंपर वाली, और ऑडियो किट हमें दूसरा पीस भी है जो कि 5 वोल्ट वाली है, और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट वाली भी ऑडियो सर्किट है हमारे पास। यहाँ देख सकते हैं ये जो है 60 पिन की LVDS कन्वर्टर है, और जो इन्वर्टर है वो भी हमारे पास अलग अलग रखा हुआ है, जहाँ जो यूज हो हम कर सकते हैं। ये वाली हम यूज़ करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट 1.2 से लेकर 5 वोल्ट आउटपुट वाली है, इसमें 12 वोल्ट इनपुट है। चलिए इसको अलग कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ टिकॉन भी रखे हुए हैं। ये सब चीज़ आपको टेस्टिंग के लिए अपने पास रखना ज़रूरी है, कभी कभी हम फास्ट काम करने के लिए आपके पास अगर सामान हो तो आप फटाफट लगा कर चेक कर सकते हैं कि क्या ख़राब है क्या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर जो अलग अलग साइज़ में अलग अलग एम्पियर में हमारे पास रखा हुआ है। ये सब दोस्तों आप दो दो पीस करके भी चाहो तो अपने पास रख सकते हैं, कम से कम टेक्स्टिंग में भी आपका काम आ सकता है। चलिए हम काम पे ध्यान देते हैं। अब इसको लगाए कैसे, यहाँ इसमें एक साइड में दो इनपुट है और दो आउटपुट है जो कि 12 वोल्ट, इसमें 5 से लेकर 12 वोल्ट तक आप इनपुट दे सकते हैं, 12 वोल्ट इसमें आप 15 वोल्ट तक भी इनपुट दे सकते हैं। चलिए इसके इनपुट की वायर पहले जोड़ लेते हैं। अब हम इसको अपग्रेड जैक से लेंगे सप्लाई, क्योंकि इसकी जो रेगुलेटर थी मैं वहाँ से भी ले सकता था, लेकिन वो ट्रैक बर्न हो चुका है, वहाँ से नहीं लेंगे, एक सेफ जगह से लेंगे जो कि
इसकी अपग्रेड पिन है 12 वोल्ट की, हम वहाँ से आउटपुट लेंगे और जो हमारा कन्वर्टर है उसमें इनपुट देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेना है आपको, 12 वोल्ट माइनस और प्लस दोनों को आपको बक पॉइंट में जो कन्वर्टर में जोड़ना है। दोस्तों मैं हर वीडियो में ऑडियो बाद में रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि जब मेरा काम चल रहा होता है तो एकदम हाईवे साइड में मेरा शॉप है और यहाँ काफ़ी ट्रैफिक रहता है, जिस वजह से साउंड काफ़ी ज़्यादा रहता है, इस वजह से हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट है जो माइनस और प्लस में, और यहाँ आउटपुट है। हम इनपुट की वायर पहले जोड़ेंगे और दोस्तों ऑडियो हम बाद में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको क्लियर ऑडियो मिले, सुनाई दे, ताकि आपको समझ में आए। और इसके आउटपुट में दोस्तों हम एक ही वायर जोड़ेंगे जो कि 5 वोल्ट प्लस जो जहां आउटपुट होगी वहां से लेंगे। नेगेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि जो इसकी इनपुट की नेगेटिव है वो आउटपुट की नेगेटिव से कनेक्ट है। यहां आउटपुट है आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव है, और जो आउटपुट नेगेटिव है वो डायरेक्टली इनपुट के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। अगर आप इनपुट में थोड़ी मोटी वायर यूज़ करें तो आपको आउटपुट में नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव जो भी आउटपुट है आपका 1.2 या फिर 5 या फिर जो भी आपको आउटपुट लेना है इसमें से, वो आप सिंगल वायर से आउटपुट ले सकते हैं। अब जैसे हमें 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट पे हम जम्पर लगा रहे हैं, और इसकी जो आउटपुट वायर है उसको हम जहाँ हमारा आईसी बर्न हुआ है, रेगुलेटर आईसी, उस बक कॉइल के आउटपुट में लगाएंगे। यहाँ हम इस वायर को लगाएंगे ताकि हमें 5 वोल्ट मिल जाए। ये देखिए हमने वायर को कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें सप्लाई देकर इसकी जो आउटपुट वोल्ट है उसको नापेंगे और सेट को देखेंगे ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ दोस्तों हम उसके बैक कवर वाली जो केबल, जो इसका पावर की वगैरह है, जो सेंसर है, उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बैक कवर के साथ लगा है, उसको खोलने में भी हम बर्बादी करेंगे। और पहले हम इसके वोल्ट नाप लेते हैं जो 5 वोल्ट हमारा प्रेजेंट हुआ कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं 4.96 वोल्ट है जो कि परफेक्ट है, यह वोल्ट चल जाएगा। और यहाँ जो कॉम्बो रेगुलेटर के इनपुट पर देख सकते हैं वो वोल्ट पहुँच चुका है जो पहले नहीं था। चलिए हम लगाकर देखते हैं इसमें जो पावर इंडिकेटर है वो आया कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों इसमें पावर इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, देखते हैं स्विचिंग करके। ये दोस्तों इसमें स्विचिंग भी हो चुका है, इसका मतलब ये सेट ओके हो चुका है। चलिए हम इसमें जो LVDS है उसको कनेक्ट करते हैं और फिर स्क्रीन की तरफ देखते हैं। दो स्क्रू पहले कस लेते हैं, नहीं तो फिर ये सर्किट गिर सकता है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कह दूं, जो नए लोग हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। ऐसा करने से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों आप मेरे वीडियो से, आपको पता चला होगा कि मेरे वीडियो में कुछ भी गलत चीज़ें नहीं होगी, आपको सही जानकारी, सही नॉलेज दी जाएगी और नए लोगों को इस चीज़ से काफ़ी मदद मिलेगा। उनको एहसास तक नहीं होगा कि उनको LED TV के बारे में नॉलेज कम है या फिर उनको कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ़ मेरा वीडियो देखकर ही पूरी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, उनको कहीं ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है।
15-15, 20 हज़ार रुपये खर्चा करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। बस वो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को देखते रहे, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। अब देखिए, हम डबल टेप के साथ इस जो कन्वर्टर है इसको चिपका दिया है हमने, और एक बार हम इसको ऑन करके देखेंगे इसमें पिक्चर बना कि नहीं। अब हम इसकी जो साथ वाली जो केबल है उसको कनेक्ट किए हैं, इसकी ऑडियो की भी हम लगा लेते हैं ऑडियो केबल। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्क्रीन देखे बिना ये कैसे फटाफट पैक कर दे रहे हैं। दोस्तों, यही तो बात है। एक्चुअल में आज 10 साल से काम कर रहा हूँ इस लाइन में, और पिछले 20-22 साल से CRT TV का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इतना नॉलेज तो है कि किस कंडीशन में सेट ओके है, किस कंडीशन में नहीं, इसलिए हमें उतना कुछ देखने और समझने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर बन चुका है, कम्प्लीट है, और आगे हम इसकी स्क्रू कसेंगे और फिर पिक्चर भी लगा कर देखेंगे। देख सकते हैं, यह BPL के नाम से 24 इंच की टीवी थी। हम फटाफट इसमें स्क्रू कस लेते हैं और फिर इसमें वीडियो सिग्नल देकर देखेंगे पिक्चर की कंडीशन। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों को मदद मिले मेरे वीडियो से। यहाँ देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी इसमें वीडियो सिग्नल देकर हम देखेंगे कि वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है। दोस्तों, कभी कभी शॉप पर मेरे सर्विस सेंटर में एक आध लोग मिल जाते हैं जिनको कैमरा पकड़ने के लिए थोड़ा मदद करने बोलते हैं, तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है मेरा। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, और इसके साथ में जो टीवी आया था उसको हम कल देखेंगे।